गाइस वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल में। सो अभी हम हैं इंदौर जंक्शन में, जैसे आप देख सकते हैं, और हम वेट कर रहे हैं मालवा एक्सप्रेस को। मालवा एक्सप्रेस जो कि डॉक्टर अंबेडकर नगर से कटरा के लिए टोटल डिस्टेंस कवर करती है 16 से 41 किलोमीटर, जिसमें है थर्ड एसी के 6 कोचेज हैं, सेकंड एसी के 1 कोचेज हैं और टोटल स्लीपर्स क्लास के 12। जंक्शन पे खड़े हुए हैं, देवास ट्रेन आ चुकी है। यहाँ पे 2 मिनट का स्टॉपेज है, यहाँ पे ट्रेन 2 मिनट में रुकेगी। तो आप देख सकते हैं ये हमारी ट्रेन, अभी हम यहाँ पे, ये इंदौर के बाद सेकंड स्टेशन है। जैसे मैंने बताया कि आपको 52 स्टेशन हमें कवर करना है, ये ट्रेन कवर करेगी। तो पहुंच गए हैं महाकाल की नगरी उज्जैन में, जिसका कोड है UJN। तो यहाँ पे हमारी ट्रेन का जो स्टॉपेज रहता है 15 मिनट का रहता है। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे इंजन चेंज होता है, तो जिधर से आए हैं हम उधर ही जाएंगे, और ये जो रूट है फिर भोपाल की तरफ टर्न हो जाता है। तो यहाँ पे 15 मिनट का स्टॉपेज है, यहाँ पर ट्रेन अभी रुकेगी हमारी। तो अभी फ़िलहाल हम देखते हैं, कुछ ले लेते हैं, पानी का बॉटल ले लेते हैं हम। तो अभी काफ़ी टाइम है यहाँ पे, तो उज्जैन जैसे पता ही है आपको, महाकाल की भूमि। तो अभी हमने यहाँ पे पानी का बोतल, और थैंक यू सो मच। तो अभी हमने यहाँ पे, आप देख सकते हैं, 2 चाय और पानी का बोतल लिया है यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं अभी। हालांकि आपको पता है कि रेलवे की चाय आता नहीं है मज़ा, बट क्या करें। कभी एक्चुअली कभी जस्ट खाना खाया है ना, तो आलस टाइप से लग रहा है, इस वजह से चाय पीना ज़रूरी हो गया है। तो इसलिए अभी मैं, तो दोस्तों आपको पता है कि ट्रेन में जब अपन सफ़र करते हैं तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, तो चलिए उसको एक्सप्लोर कराते हैं। सीट के साथ साथ कुछ और होता है, चलिए दिखाते हैं आपको, स्टोर कराते हैं और दिखाते हैं आपको कि क्या कैसा है। और आप भी बताइएगा, आप रेटिंग दीजिएगा 10 to कितना रेटिंग आप देंगे, चलिए दिखाते हैं आपको। मैं मालवा एक्सप्रेस के वॉशरूम पे आया हूँ। वॉशरूम टॉयलेट देखिए आप, ये मिरर देखिए, काफ़ी बड़ा मिरर लगा हुआ है, तो काफ़ी अच्छा है। देन ये इसका, ये यहाँ पर पानी आ रहा है, यहाँ से भी सही है, बाकी साफ़ सफाई तो अभी सही है, ठीक है। तो आप ज़रूर बताइएगा आप रेटिंग कितना देना चाहेंगे। मेरे को तेरी, मैं रेटिंग दूंगा तो आई थिंक 10 to 7 या 6 दे सकता हूं मैं, क्योंकि साफ़ सफ़ाई काफ़ी अच्छी है, तो ठीक है। और आप लोगों को भी यही बोलूँगा कि प्लीज़ रेलवे में सफ़र करेंगे तो साफ़ सफ़ाई का ध्यान रखें, टॉयलेट यूज़ करने के बाद फ्लैश ज़रूर यूज़ करें। भैया मिले हैं ट्रेन में, भैया आपका नाम? धर्मेंद्र जाटव। धर्मेंद्र भैया हैं ये, जो हमारे साथ कटरा तक रहेंगे साथ में। तो भैया आई थिंक रेलवे में ही जॉब करते हैं, हाँ करते हैं, है ना। तो चलिए चलते हैं, भैया के साथ सफ़र है लंबा अपना। मेरे तक तो हम पेट पूजा करेंगे, बहुत जम के भूख लग रही है राकेश को, और तो साथ में मेरे को भी। तो अभी आप देख सकते हैं हमने बाहर से ही पैक करा लिया था। तो ये राजमा की सब्ज़ी है, ये आलू मटर की है, और साथ में पूड़ी। यहाँ पे जो रुकने का स्टॉपेज है, ये अभी 2 से 3 मिनट का ही है, ज़्यादा नहीं है।
देख सकते हैं ये सुजालपुर स्टेशन है। अपने अगले स्टेशन डेस्टिनेशन सीहोर, तो हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है सीहोर स्टेशन। आप देख सकते हैं दोस्तों ये सीहोर स्टेशन है। ये देखिए यहाँ पे पब्लिक सारी पैसेंजर। स्टेशन में भी जो स्टॉपेज उसका 2 से 3 मिनट का ही है, तो फिर ट्रेन रुकी हुई। देखिए हॉर्न बज गया, 2 मिनट का था। चलिए चलते हैं अगले स्टेशन के लिए। दोस्तों हमारा अगला स्टेशन संत हरिदाराम नगर आ चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ से कुछ ही डिस्टेंस में भोपाल रह जाता है, तो 10 से 15 मिनट में हम भोपाल पहुँच जाएंगे, भोपाल स्टेशन आ जाएगा। तो अभी ये संत हरिदाराम नगर स्टेशन है, ये आप देख सकते हैं। टाइम हो रहा है 4:45 और संत हरिदाराम नगर स्टेशन में हम आ चुके हैं। तो अभी एग्जैक्ट टाइम पे चल रही है ट्रेन अपने रियल टाइम पे। बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा है, ठीक है, हम बर्थडे ट्रेन में सेलिब्रेट करते हैं। किन का बर्थडे? एंजल का बर्थडे क्या? नहीं, कहीं इसका। ओ हैप्पी बर्थडे एंजल। हेलो, सो स्वीट, सो स्वीट। क्लैपिंग करते हैं। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। देख सकते हैं आप, ये भी एक लाइफ है जो लोग जीते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि भगवान जो जितना देना बस उतने में खुश रहो और अपना काम करो, लोगों की हेल्प करो जितना हो पाए आपसे। आप देखो ना, मतलब अपन को शिकायत रहती है कि अरे मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा है वैसा है, पर यार हमें नहीं पता यार कि ऐसा भी ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनको जितना हमारे पास उतना उनको मिल जाए। सच में देखिए, बरसात के टाइम में क्या होता है आप देख ही रहे हैं। बस भगवान से बस एक ही दुआ है कि सब खुश रहें, सबका अच्छा हो। चलते हैं, देखिए भोपाल स्टेशन आने वाला है, गाड़ी चला रहा है। बचपन में आपने भी ऐसे किया होगा। ये कैसे खेल रहे हैं सभी, बड़ी होने वाली है दोस्तों, काफ़ी लंबा सफ़र है। बट जैसे मैंने आपको हमेशा अपने वीडियो में एक ही चीज़ बोलता हूँ कि मुझे मंजिल में नहीं सफ़र में मज़ा आता है। मंजिल में तो ठीक है, तो सफ़र में मज़ा है तो मंजिल में कहाँ है। बस माता रानी की कृपा से एक बार फिर से हम जा रहे हैं माता रानी से मिलने। सेकेंड टाइम है मेरा वैष्णो देवी जाने का। इससे पहले मैं 2021 में ही गया था, अप्रैल में गया था, देन फिर से। तो बहुत ही मैं लकी हूँ कि जो माता रानी ने मुझे फिर से एक बार बुलाया और उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के आशीर्वाद से मैं फिर से उनके पास जा रहा हूँ। तो अभी तो फ़िलहाल बस देख सकते हैं रास्ते पे ही है। आपको मालवा एक्सप्रेस का पूरा टूर करा रहे हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ब्लॉग कैसा लग रहा है। फाइनली दोस्तों हम आ गए हैं भोपाल जंक्शन, हमारी ट्रेन भोपाल जंक्शन भोपाल स्टेशन आ चुकी है। और अभी जो टाइम हो रहा है 5:37, तो 5:37 में हमारी ट्रेन भोपाल जंक्शन आ चुकी है। तो अपने एग्जैक्ट टाइम पे है, तो दोस्तों हम विदिशा पहुंच गए हैं, हमारी ट्रेन विदिशा स्टेशन आ चुकी है। समय हो रहा है
7:05, तो आप देख सकते हैं ये विदिशा स्टेशन है। सो ये देखिए, तो अभी हम हैं विदिशा स्टेशन में, आप देख सकते हैं हमारी जो ट्रेन है विदिशा पहुंच चुकी है, और यहाँ पे भी जो स्टॉपेज है 5 मिनट का है। दोस्तों हम झांसी पहुंच चुके हैं, ये झांसी जंक्शन है, आप देख सकते हैं ये हमारी ट्रेन झांसी पहुंच चुकी है। एक्चुअली थोड़ा जो ट्रेन डिले चल रही है 50 मिनट, काफ़ी ठंडा मौसम है। हो रहे हैं जो कि 10 बजे का टाइम है झांसी पहुंचने का, बट थोड़ा डिले है ट्रेन, अभी ठंडा मौसम है। अभी बताना चाहूँगा मालवा एक्सप्रेस जो ट्रेन है, एक बार MP से तो चलती ही है, साथ में एक बार UP में एंटर करेगी, UP के बाद दिन फिर से ये MP में एंटर करेगी, क्योंकि फिर से अभी ग्वालियर मुरैना सभी आना है। तो MP UP देन फिर से MP अगेन UP। हम पहुंच गए हैं सोनीपत स्टेशन। एक्चुअली रात में काफ़ी थकावट की वजह से मैं सो गया था, तो अभी थोड़ी देर पहले सो के उठा हूँ, और अभी हमारी ट्रेन सोनीपत पहुंची है। और बताना चाहूँगा ट्रेन 2 घंटे डिले चल रही है गाइस, मतलब 2 घंटे लेट चल रही है। इसका एग्जैक्ट टाइम पहुँचने का 6:30 का है, बट अभी 8:30 हो रहा है, तो हमारी ट्रेन अभी डिले चल रही है 2 आवर्स। पता नहीं क्यों रात में हो सकता है कि कोहरा वरा की वजह से, फॉग की वजह से, बट सोनीपत हम पहुंच गए हैं, थोड़ा चाय वगैरह पीते हैं। जंक्शन पर भी हमारी ट्रेन आ चुकी है, टाइम हो रहा है 10:32, जो कि ट्रेन अपने भी 2 घंटे डिले ही चल रही है अभी भी। तो अभी कुछ कुछ लेते हैं यहाँ पे, अब देखते हैं वो टाइम से लग रही है, वो जिस तरह से ट्रेन चल रही है उस तरह से तो देखा जाए तो अभी भी हम कटरा 8 बजे से पहले नहीं पहुँचेंगे। अभी यहाँ पे देख रहे कुछ देखते हैं क्या क्या भैया खा रहे हैं। छोले भटूरे भैया, छोले भटूरे कितना करो, कितने रुपये प्लेट दिए छोले भटूरे? 25 3 पीस। 25 3 पीस दे दीजिए भैया। सो दोस्तों हम लुधियाना आ चुके हैं, लुधियाना जंक्शन आप देख सकते हैं, ये है लुधियाना जंक्शन। यहाँ पे जो स्टॉपेज रहता है हमारे ट्रेन का 10-15 मिनट का रहता है। सो गाइस हम जलंधर पहुँच चुके हैं, हमारी ट्रेन जलंधर आ चुकी है, जलंधर छावनी में है अभी हम, और आप देख सकते हैं ये जलंधर स्टेशन है, सही टाइम पे नहीं चल रहा है, तो देख सकते हैं दोस्तों आप भी। ये जलंधर स्टेशन है, अभी टाइम नहीं है, नहीं तो आपको बाहर भी दिखाता मैं जलंधर कैसा है। चलते हैं, ट्रेन का टाइम 5 मिनट के स्टॉपेज है, चलते हैं। दसवा इज कमिंग, अभी हम दशवा में हैं, टाइम हो रहा है 1:30, हमारी ट्रेन आ चुकी है दशवा, अभी दशवा से चलते हैं, अब डायरेक्ट अब अपन पठानकोट को उतरेंगे, अभी छोटे स्टेशनों पे नहीं, डायरेक्ट पठानकोट पे उतरेंगे, पठानकोट अभी यहाँ से 2 घंटे लगेंगे अभी आने में, तो पठानकोट पे उतरेंगे अपन।
पठानकोट आ चुके हैं, पठानकोट स्टेशन है और अभी भी हमारी जो ट्रेन है 2 घंटे डिले है, देख सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये शायद आर्मी की गाड़ी है, खड़ी है इधर, देखिए लाइन से। भैया अभी मिले हैं, भैया आपका नाम? हेमंत भाई। हेमंत भैया ये, हेमंत सर कहाँ से बैठे हैं आप? झांसी से। मैं झांसी से बैठा हूँ और कटरा माता वैष्णो देवी जा रहे हैं। कटरा जाऊँगा, उसके बाद फिर देखूंगा कहाँ पे, मतलब आगे प्लान। चलिए तो अभी हालांकि तो जर्नी तो अभी सही नहीं, क्योंकि अपनी ट्रेन जो लेट है, ट्रेन थोड़ा 2 घंटे लेट हो गई है, 2-3 घंटे है ना, इवनिंग शाम हो जाएगा मतलब पहुँचने में। तो आपका वैसे प्लान क्या है, मतलब जाते ही माता के लिए आप चढ़ेंगे कि कल के लिए? कल मेरा भी मतलब मैं भी थोड़ा फ्रेश होकर 1-2 घंटे रुकूंगा, फिर मतलब रात में ही करूँगा। अच्छा, रात में ही करेंगे। अच्छा, देखते हैं क्या है। सर से मिलकर बहुत अच्छा लगा और अभी बस जर्नी में शामिल है सर। राकेश तो ठीक है। मालवा एक्सप्रेस से कैंटीन में आए, देख सकते हैं। कमिंग सून जम्मू। सो गाइस, हम जम्मू तभी पहुंच चुके हैं। भाया बिना झांसी मथुरा जंक्शन नई दिल्ली लुधियाना। और ये हमारे जम्मू तभी एक्चुअली काफी लेट पहुंचे हैं, बट कोई नहीं। श्री माता वैष्णो देवी। हम जा रहे हैं तो बस कटरा स्टेशन पहुंच गए हैं। जय माता दी, जय माता दी। देख सकते हैं, कोई नहीं दोस्तों, यदि आपके कोविड के फर्स्ट एंड सेकेंड डोज दोनों लगे हुए हैं तो आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब सिर्फ आपका आरटीपीसीआर जो आपको रिसिप्ट मिली होगी वो चेक करेंगे, देन उसके बाद आपको जाने देंगे। तो फिलहाल तो अभी यहाँ पे कोई चेकअप नहीं हो रहा है, चेकअप उनका होगा जिनका सेकेंड डोज नहीं लगा हुआ है। सो हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड डोज दोनों था तो हम फ्री हो गए, डायरेक्ट चलते हैं।